उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर साधना न्यूज की टीम बासगांव विधानसभा पहुंची, जहां जनता से जाना कैसा होगा उनका विधायक। देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। साधना की टीम गोरखपुर के बासगांव विधानसभा में है, जहां निषाद वोट को साधने के लिए हर पार्टी अपना एक अलग अलग प्रयास करती है। यही हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे जानेंगे जनता की राय। ये बताइए, आपका नाम क्या है? रमेश विश्वकर्मा। रमेश जी, आप अपनी ही बात बताइए। ये बताइए कि सरकार मिशन 2022 में सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार जो अभी चल रही है वही सरकार चाहिए। जो चल रही है वही सरकार चाहिए, क्यों चाहिए? वो आपको जो चाहिए वो सब सरकार वो कर रही है। जो चाहिए गरीबों को वो सब कर रही है। हमारे साथ सब्जी के व्यवसायी हैं। ये बताइए, मिशन 2022 में किसकी सरकार बनाई? सरकार योगी मोदी को हम लोग जान रहे हैं। 5 साल की कार्यशैली उनकी अच्छी लगी, हम लोग दोबारा पुनः उनका फिर हम लोग समर्थन कर रहे हैं। 5 साल की कौन सी कार्यशाला थी जो अच्छी लगी? गरीबों के लिए अनाज वितरण है, ये पेंशन है, गैस उजाला है, जो भी दिए हैं योगी मोदी हम लोग के लिए। सरकार से खुश हैं जी? कहीं ऐसा तो नहीं? नहीं नहीं, उनके कार्यशैली अच्छी लगी है। फ्री नहीं मिलती है? महंगाई कम होगा। क्यों दादा, बिजली नहीं मिलती है? बिजली मिलती है, पर 24 घंटा मिलता है। 24 घंटा मिलता है तो फ्री बिजली चाहिए क्या? नहीं, फ्री नहीं चाहिए हमको। फ्री नहीं चाहिए जी? तो क्या होगा मुद्दा आपका? मुद्दा हमारा कुछ नहीं है, बस मुद्दा यही है कि विकास कब जो है जो होना चाहिए। किससे उम्मीद? जो बात का जो क्षेत्र जो है हमारा विकास नहीं हुआ है। जो मिथिलेश जो है विधायक है कभी आते नहीं है, यदि भाजपा से तो किसको चाहते हैं? हम तो भाजपा के चाहेंगे, भाजपा को जिताएंगे। और ये तो पहला वोट डाल रहा है, तो कह रहे हम साइकिल। हम तो या तो मोदी और जोगी के नाम पर वोट देंगे। मोदी जोगी को नाम पर वोट देंगे? अब तुम पहले वोट पर कह रहे हो कि साइकिल को वोट करेंगे। साइकिल की भाजपा किया क्या है बताइए? इस बार हमारा पहला वोट होता। पहला वोट है, किसे वोट होगा? बीजेपी को वोट होता। बीजेपी को? बीजेपी के कोई फायदे बताओ। फायदे तो उसके अनेक है, देखने वाले के पास है, जो नहीं देख रहा उनके पास क्या होता। अभी यही था ना? हाँ, ये देखो, ये बोल रहे खास मित्र होते, ये मित्र है, ये तो कह रहा है कि बीजेपी का कोई फायदा नहीं है। बीजेपी का फायदा क्यों नहीं? ये लोग फायदा सुनो, मित्र से बताओ फायदा क्या है बताइए। इन लोगों को क्या है कि पेट्रोल महंगा है, गैस महंगा है? पेट्रोल गैस महंगा है, तुम्हें तनख्वाह चाहिए आज के जमाने की, और पेट्रोल और डीजल गैस चाहिए आपके 20 साल पहले की। 5 साल में अखिलेश भी दें, क्या किए हो रोजगार तुम? अभी तुम ये भी बता दो, उनके 5 साल रहने पे सड़क दुर्घटना होती थी, बीजेपी की सरकार आती ही फोर लेन का निर्माण हुआ। बीजेपी की सरकार में ही हो रहा है, लाइट की व्यवस्था थी, सोने में लाइट आती, सोने में ही चली जाती। अब तो तुम बोल रहे हो इसको, इनको फ्री लाइट चाहिए, अपने घर से वो देते क्या? क्या नहीं भर सब लेकिन 24 घंटा मिल रहा है। 24 घंटा मिल रहा है, ये कह रहा है कि हमको फ्री में बिजली चाहिए, ऐसा हो सकता है? अरे हमको तो विरोध लेवा करिए, भले जोर देते विरोध लेवा करिए। 2 घंटे में 450-450 रुपए बिजली का पेमेंट करते थे हम, और आज दिन भर बिजली आती है और मीटर के हिसाब से 250-300 रुपए पे करते हैं बस। क्या महंगाई है? भाजपा से खुश हैं हम? भाजपा से खुश हैं? बिजली जरा सबको बचाओ था, हम तुम्हारे बचाओ थे। मोदी जी समझाइए ना, तो पहला वोट डालेंगे, कह रहे हैं कि मोदी जी कुछ किया नहीं है। बहुत कुछ कर रहा मोदी। हमारे साथ युवा भी थे, महिलाएं भी थी, लोग थे। जहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है, वहीं लोगों का कहना है। पार्टी से कोई खुश है ना खुश है। गोरखपुर बासगांव विधानसभा से साधना न्यूज से पल्लवी त्रिपाठी की रिपोर्ट।